हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पूजा प्यारी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो शाम का टाइम है और आज के खाने में है बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी। तो आते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, मैं लगा रही हूँ बाजरे का आटा, क्योंकि बाजरे का आटा थोड़ा थोड़ा करके लगाया जाता है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें हम डालेंगे छीटा, और इस तरीके से लगाएंगे। और इधर मैंने बैंगन और बटाका, मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाला, उसके बाद बैंगन कट किया, बटाका कट किया, दोनों इसमें डाल के टमाटर कट करके डाल दिया है, और नमक डाल के सीटी लगा दिया है। तो मैंने इसमें 4 सीटी लगाया हुआ है कुकर में, और इसको अब मैं निकाल लूँगी। और इधर मैंने कूट के रखा हुआ है अदरक, मिर्ची, लहसुन, इसको मुझे भरता में डालना है, मतलब चोखा में डालना है। और ये रही मेरी हरी धनिया, इसको भी फ्रेंड्स कट करके डालना है। तो फ्रेंड्स, ये हरी धनिया है, इसे मुझे भरते में डालना है। और इधर मेरा दूध पक रहा है तो मैं आटा, और इधर हमने तवा चढ़ा दिया हुआ है। तवा जब तक थोड़ा थोड़ा गर्म होगा तब तक इधर मैं आटा लगा लूँगी अच्छे तरीके से। तो देखिए, मेरा आटा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से आटे को लगाना है, ऐसे ऐसे, क्योंकि आटे को जितना अच्छा हम गूँथेंगे रोटियाँ उतनी ही फूली फूली सॉफ्ट सी होंगी। और यहाँ पर गूँथने के बाद हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से लेना है, ऐसे करना है, क्योंकि बाजरी है तो बाजरे के आटे को इस तरीके से हाथ से हमें अच्छे से मसलना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए, मसल के अच्छे से इस तरीके से, क्योंकि मैं हाथ से ही बनाने वाली हूँ। देखिए, इस तरीके से गोल गोल करेंगे। तो मेरा तवा गर्म हो चुका है, तो तवे पे पहले छोटी छोटी 2 टिकरी डाल देंगे। इसको टिकरी बोलते हैं, डायरेक्ट मतलब रोटी नहीं बनाना है। तो हमें कुछ इस तरीके से हाथ से ही पीट पीट के रोटी को, देखिए रोटी कैसी गोली सी बन रही है, एकदम गोल रोटी बन रही है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमें ऐसे ऐसे इसका जो कॉर्नर का है उसको अच्छे से पीटते जाएंगे ताकि बीच का भाग लंबा होता जाएगा। कॉर्नर से पीटेंगे तो मोटा नहीं होगा, सब सेम शेप में बनेगा। तो देखिए, हमारी रोटी होके रेडी है। अब इसको हम इस तरीके से ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर गैस स्लो करेंगे और ये डाल देंगे। तो देखिए, हमारी बाजरे की रोटी स्लो गैस पर पक रही है। तो देखिए, थोड़ी थोड़ी सी मेरी रोटी सिक चुकी है। अब इसको हम आराम आराम से पलटी करेंगे। तो देखिए, मेरी रोटी थोड़ी थोड़ी सी सिक चुकी है। अब इसको हम दूसरी साइड स्लो गैस पर ही अच्छे तरीके से पकाएंगे। बारिश के मौसम में बाजरी की रोटी और बैंगन का भरता, और बारिश तो बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, और थोड़ा हटके बनाएं तो टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। तो मेरी रोटी पक रही है, और इस तरीके से मैं दूसरे भी बना लूँगी, देखिए इस तरीके से। और इधर मेरा बैंगन पक चुका है, अभी मैं कुकर खोल के इसका भरता तैयार करूँगी। तब तक मैं इधर, देखिए मेरी रोटी स्लो गैस पे बनाएंगे ना, तो साइड साइड से एकदम अच्छे तरीके से सिकेगी, देखिए इस तरीके से, पूरा इस तरीके से, क्योंकि ये चूल्हा तो है नहीं, गैस है, तो अच्छे तरीके से हमें इसको सेकना है, हिला हिला के इधर से उधर करके अच्छे से सेकना है। अब मैं गैस को थोड़ा सा फास्ट करूँगी, और साइड साइड पे कॉर्नर पे अच्छे तरीके से सेकूँगी, ताकि हमारी रोटी अच्छे से पक सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हमारी रोटी पक चुकी है, अब हम इसको उतार लेंगे, और कुछ इस तरीके से गैस पर खड़ा करके सेकेंगे। देखिए, इस तरीके से रोटी को घुमा घुमा कर
गैस पे अच्छे तरीके से हम सेकेंगे। देखिए घुमा घुमा के सेकेंगे तो कॉर्नर का भी सब पक जाएगा। तो रोटी को खड़ी करके हमें अच्छे तरीके से सेकना है और फिर उल्टे साइड पकाना है, डायरेक्ट सीधे साइड नहीं, पहले उल्टे साइड पकाएंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से, देखिए एकदम स्लो करके पकाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो जल जाएगी रोटी। तो देखिए इस तरीके से, और ये थोड़ी सी कुरकुरी रहती है तो ही अच्छी लगती है, तो इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो देखिए हमारी रोटी फाइनली पक चुकी है, इसको हम यहाँ पर इसी तरीके से हम सारी रोटियों को बना लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इधर मेरा भरता बन रहा है, देखिए बहुत ही इजी तरीके से और झटपट बनने वाला है ये। देखिए इसको हम इस तरीके से मैशर से मैश कर लेंगे सब। इसमें टमाटर, बैंगन, आलू और नमक और तेल डाल के मैंने इसको कुकर भी सीटी मार दिया था। तो देखिए झटपट हमारा भरता हो गया है रेडी। तो फ्रेंड्स अब हम भरते में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स भरता हो गया है रेडी, अब हम इसमें डालेंगे जो अदरक मिर्ची हमने कूट के रखा हुआ था। देखिए इस तरीके से अब इसको डाल देंगे अच्छे से। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें डाल देंगे कटी हुई बारीक वाली जो हमने कट करके रखी हुई है धनिया, क्योंकि पानी में मैंने इसको डाल दिया था धनिया अच्छे से ताकि धुल जाए, और छान के हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे। और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप इसमें चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, और आप नहीं पसंद करते हो तो कोई बात नहीं, मैं इसमें प्याज नहीं डालूंगी, क्योंकि अदरक मिर्ची लहसुन हमने कूट लिया हुआ था, नमक और तेल पहले से ही ऐड कर लिया था। अगर आपकी मर्जी हो तो आप ऊपर से सरसों का तेल डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालने वाली हूँ। तो देखिए झटपट हमारा गर्मा गर्म भरता तैयार है। तो ये मेरा भरता तैयार है, और इधर हमारी बाजरी की रोटी तैयार है। अब इसमें मैं लगा दूंगी घी, और बाकी की रोटियां अभी मैं गरम गरम बना रही हूँ, क्योंकि ये रोटी मतलब चोखा और रोटी गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा हो जाए तो मज़ा नहीं आता। तो मैं घी लगा के बच्चों को और हस्बैंड को दे दूँगी खाने के लिए, और इधर मैं बनाती रहूँगी गर्मा गर्म सबको सर्व कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यही है आज की हमारी रेसिपी। तो आज का यही है हमारा खाना। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और आपको रेसिपी ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।